हेलो दोस्तों और नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा। आज हम लोग टाइम एंड वर्क जैसा पढ़ रहे हैं, आज हमारा पार्ट फोर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर चुके थे, जो कि हम लोग अभी टाइप थ्री चल रहा है, जिसमें हम क्षमता, एफिशिएंसी, दक्षता इसका बात करें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो आप बेल्ट बांध लीजिए, रेडी हो जाइए आज का क्लास करने के लिए। आज का क्लास बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको ईजी तरीके से ही मेंस लेवल का क्वेश्चन से करवा दूंगा, ठीक है। आप करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो शुरू करते, ज़्यादा कुछ बोले हुए इससे पहले मैं बोलूं कि हम लोग का एक प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, आप उस प्रैक्टिस बैच को देखें मैथ्स का। आप ये टाइम एंड वर्क करने के बाद वहाँ पर जो भी प्रैक्टिस में टाइम वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी खुद से करें, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। आप ये वीडियो जो है टाइम एंड वर्क का सबके साथ शेयर कीजिए। 10K व्यूज़ का हमने एक टारगेट लिया है कि 10K व्यूज़ आ जाए इस टाइम एंड वर्क के लेक्चर पे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगा है और मैंने बेस्ट क्वेश्चंस को एक क्रोनोलॉजिकल मतलब एक ऑर्डर में इसको सजाया है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ अच्छा आ पाए, और टाइप वाइज मैंने बांटा है, ठीक है। और मैं इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। सवाल एक दो छूट जाए लेकिन उस सवाल को करने आपको आएगा, सवाल एक दो छूट जाए लेकिन उस सवाल को करने का तरीका आपको पता होगा, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कुछ बोले। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप नए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का, जैसे हम लोग जानते हैं टाइप थ्री चल रहा है, जिसमें हम लोग क्षमता का, रेशियो का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 32 से। देखिए 32 क्वेश्चन बोला क्या है कि टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4। मतलब किसी काम को करने के लिए एक्स और वाई का जो क्षमता है, कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, देखिए कार्य क्षमता हो, दक्षता हो, ठीक है, अच्छा हो कि अच्छा काम करने वाला है, सब एफिशिएंसी सब क्षमता को ही दिखाता है, बस भाषा को अलग अलग लिख देता है, ठीक है। तो चलिए हमें क्या बोला है कि किसी काम को करने में एक्स और वाई का जो क्षमता का अनुपात है 5:4 है, मीन्स 5:4। एक साथ काम करते हुए वो 10 दिन में काम कर सकते हैं, कितना दिन में, 10 दिन में। तो आप बताओ कि वाई अकेले काम स्टार्ट करता है और काम 5 दिन में छोड़ देता, तो अब जो काम बचा वाई 5 दिन करने के बाद जो काम बचा उसको एक्स कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कि हमें एक्स और वाई का क्षमता, क्षमता का मतलब एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। देखो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, पीडीएफ भी बाइलिंगुअल मिलेगा, ये किस रेशियो में, तो आपने कहा 5:4 में, सर इसमें है 5:4 में। इसका मतलब क्या कि अगर मैं लेट करूँगी, एक्स जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो वाई 4 करता है, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिल के 10 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, कितना में, 10 दिन में। तो आप बोलो एक्स एक दिन में कितना काम, 5, वाई एक दिन में कितना काम, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम, आप बोलो सर 5+4 कर लो 9, और एक दिन में इन लोगों का काम कितना है एक्स और वाई का 9, ठीक है। तभी तो दोनों मिल के 10 दिन में काम ख़त्म करते हैं, आप समझे ना बातों को। क्षमता का अनुपात दिया है मुझे, बोला ये दोनों मिल के 10 दिन में काम करते हैं, मैं बोला एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, तो 5+4 9, तो 10 दिन में कितना काम, तो आप बोले 9×10 कर लो सर, मतलब 90। अच्छा 90 ही तो टोटल वर्क है, कुल कार्य ही 90 है, ठीक है। अब हमें बोला है कि वाई 5 दिन काम करके छोड़ देता है, तो एक्स कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो आप बताओ कि वाई 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे सर वाई का एफिशिएंसी है 4, 4 एफिशिएंसी के साथ वो 5 दिन में, है ना, क्या होता है काम, क्या होता है कि एफिशिएंसी क्षमता गुने दिन, तो कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे 20, सही है, एकदम सही है, ठीक है। तो मैं बोला कि जो काम बचा ना वो एक्स करता है, तो काम अब बचा कैसे निकाले, मुझे पता टोटल काम इतना काम वाई कर चुका है, तो काम इसको इससे घटाते तो 70 काम, तो ये 70 काम कौन किया है, तो यही एक्स किया है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया है कि रिमेनिंग वर्क जो एक्स कितने दिन में करेगा, तो अब बताओ एक्स को कितना दिन लगेगा, तो आप बोले सर 70 काम है और एक्स का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 70 5 एफिशिएंसी के साथ 14 दिन लगेगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 14 दिन। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि मुझे एक्स और वाई का क्षमता का रेशियो दिया हुआ था, क्षमता का अनुपात, मुझे बोला दोनों मिलकर काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, मैं बोला ठीक है टोटल काम निकाल लेते हैं, मैं बोला एक दिन में दोनों कितना काम, तो आप बोले 5+4 9 काम, एक दिन में अगर 9 काम करते तो दोनों मिलकर 10 दिन में काम ख़त्म करते, तो एक दिन में 9 काम तो 10 दिन में 90 काम। अब जो है वाई काम स्टार्ट किया, वाई 5 दिन ही काम किया और छोड़ दिया, समझ रहे ना, तो आप बोलिए वाई का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4
क्षमता के साथ 5 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप बोले 20। और हमें अब क्वेश्चन में बोला कि बचा हुआ काम को एक्स किया तो कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ कि काम कितना बचा है। तो 90 काम हो चुका है और 90 काम टोटल है और 20 जो है काम हो चुका है, तो काम बचा 70। अब ए को इस 70 काम करने में 5 क्षमता के साथ, क्योंकि एक्स का 5 क्षमता है, तो 70/5 कितना लगेगा? 14 दिन। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब मेंस का ही क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके वह पढ़िए, क्वेश्चन फ्लैश हुआ है। शायद आप पढ़ लिए होंगे, मैं पढ़ता हूँ कि ए बी सी किसी काम को मिल के 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है दोगुना प्रोडक्टिव है बी और सी से, अच्छा सॉरी, ए जो है ट्वाइस प्रोडक्टिव बी से, मीन्स दोगुना दक्षता ज़्यादा है, उसका क्षमता ज़्यादा है, दोगुना अच्छा है बी से। सी अलोन कैन डू इट इन 36 डेज, सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है, तो आप बताओ कि ए और बी कितना दिन में करेंगे अगर सी छुट्टी पे गया तो क्या होगा इसका? तो आप मुझे बोलोगे कि मुझे सबसे पहले दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 12 दिन में कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आप जब पढ़ोगे ना तो दिया सी 36 दिन में अकेले कर सकता है। देखो अब लिखा हुआ है कि सी जो है अकेले 36 दिन में कर सकता है, उससे पहले भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ए जो है वो बी से दोगुना एफिशिएंट है। ये क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, किसका? क्षमता एफिशिएंसी का, कि ए जो है बी से दोगुना क्षमता है। तो हमसे पूछा है कि ए और बी कितना दिन में काम ख़त्म करेंगे और सी छुट्टी पे, तो मैं क्या किया, 12 और 36 का एलसीएम दिया। तो ए बी सी का क्षमता कितना? आपने बोला 3। सी का कितना? आपने बोला 1। तो अब आप मुझे बताओ कि सी का क्षमता है 1 और ए प्लस बी का कितना होगा? तब ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का मिला के क्षमता है 3 और सी का अकेले है 1। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी का क्षमता कितना है? आप बोलोगे 2 है ना, ए प्लस बी का कितना है? 2 है। समझे बातों को? आप समझोगे, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के 1 दिन का काम है 3 और सी का अकेला का 1, तो अगर मैं सी को इससे निकाल दूँ 1 को, तो ए प्लस बी कितना बचेगा? आप बोले 2। ठीक है, कितना बचेगा? 2। लेकिन आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ए और बी का एब्सेंस कितना था? आप बोले टोटल है 3, 2 1 3 और यहाँ पे 2 है, मतलब गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? तो आप बोलोगे कि या इसको 2 बनाए या इसको 3 बनाए। मैं बोलता हूँ इसको 2 बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 3 बनाता हूँ तो मुझे फिर ये सब चेंज करना होगा, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं बोला कि इसको ही बनाता हूँ 2। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसको 2 बनाने के लिए किससे इंटू करें? तो आप बोलोगे इससे इसको 2 बनाने के लिए से 2 से 2/3 से कर लो, 3 से 3 कट गया, तो मतलब इसमें भी 2/3 से इंटू होगा, इसमें भी 2/3 से इंटू होगा, है ना? ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताओ कि ए का एफिशिएंसी कितना? आप बोले 2 × 4/3। अच्छा, बी का कितना? तो आप बोले 2/3, है ना। हमसे पूछा इस 36 काम को ए और बी कितना दिन में करेगा अगर अगर कौन लीव पे है? सी नहीं है, सी छुट्टी पे गया है। तो आप बोलो दोनों का 1 दिन का क्षमता है इतना, 1 दिन का 1 दिन का, तो दोनों का मिला के कितना? मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आप बोले इसको जब एलसीएम लोगे 3 × 4 = 6, मतलब दोनों मिल के 1 दिन में कितना काम करता है? आप बोले 2। तो 2 क्षमता के साथ 36 काम करना है तो कितना दिन लगेगा? तो आप बोले 18 दिन। कितना? 18 दिन। ठीक है, कितना दिन? 18 दिन लगेगा इसको करने में, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मुझे क्या दिया था, ए प्लस बी प्लस सी इतना दिन में कोई काम कर सकता है, सी इतने दिन में, तो मैं इसका एलसीएम लिया 36, एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, ए प्लस बी कितना आया है 2। अब मैं क्या देखा कि ए प्लस बी जो अगर 2 है तो यहाँ पे दिया था कि ए दोगुना है इससे, इसका मतलब कि यहाँ पे इसको जोड़ रहे थे जब इसका एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ अलग अलग है यहाँ अलग, इसलिए मैं क्या किया इसको 2 बना लिया, क्योंकि इसको चेंज करने से फिर ये सब चेंज हो जाता। ठीक है, मैं इसको 2 किया तो दोनों का मिला का एफिशिएंसी कितना है? तो आप बोलोगे 6/3 2 और 36 काम 2 एफिशिएंसी में, तो 18 दिन। यहाँ से भी वही आता, ठीक है, क्योंकि मैं इसका डाटा इसमें चेंज किया हो तो वही आएगा, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है ये अगर चेंज होना तो नहीं होगा। देखिए आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी।
जैसे क्वेश्चन 34 पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन 34 हमें कहा है कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:3, मतलब ए बी सी का जो कार्य दक्षता या क्षमता जो भी बोलिए वो 4:5:3 में, 4:5:3 में, और वर्किंग टुगेदर साथ में काम करते हुए काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि ए और सी जो है काम का 35% कितना दिन में करेंगे, ठीक है, काम का 35%। देखिए आप, देखिए आप, एकदम आसान क्वेश्चन है कि ए बी और सी का जो है क्षमता मतलब कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, तो आप बोले 4:5:3, ठीक है। हमें दिया है कि तीनों मिलके काम को 25 दिन में करते हैं, कितना दिन में, 25 दिन में। तो आप बोलो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे 4:5:9:3:12। देखिए समझे आप, मुझे बोला तीनों मिलके काम को 25 दिन में करते हैं, मतलब तीनों मिलके काम कर रहे हैं ना, तो तीनों मिलके 25 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये एक दिन का काम कितना है उन लोगों का, तो आप बोले 5:6:9:3:12, ठीक है, 12 एक दिन में करते हैं। तो आप बोले 25 दिन में अगर काम ख़त्म होता है तो 25 दिन में कितना काम होता होगा, तो आप बोले 12 × 25, यही क्या है, टोटल वर्क या कुल कार्य है, क्या ये कुल कार्य है। आप मुझे बताओ कि मुझे क्वेश्चन में आप आगे पढ़ो दिया है कि 35% जो काम है वो ए और सी कितने दिन में करेंगे, ठीक है, काम में दिया कि 35%, मुझे पता है टोटल वर्क इतना है, तो टोटल वर्क का 35%, सिर्फ 35%, ठीक है, 35% निकाल लिया मैं टोटल काम का, ठीक है, इसको इंटू नहीं किया क्योंकि अभी कटेगा इसलिए मैं इंटू नहीं किया, ठीक है। तो आप बताओ कि ये ए और सी पूछा ना, हाँ, ए और सी कितना दिन में करेगा, तो आप बोले ए का एफिशिएंसी 4 है, सी का 3 है, तो 4 × 3 = 7, एक दिन में 7, तो कितना दिन में करेगा, आप बोले इसको काट लेते हैं सर, जिसे एक ये 4 × 3, तो आपने देखा कि कितना दिन में करेगा ये, 5 × 3 = 15 दिन, ठीक है, कितना दिन, 5 × 3 = 15 दिन में, ठीक है, कितना दिन में, 15 दिन में। मुझे ए बी सी का देखिए अनुपात दिया हुआ था 4:5:3, ठीक है, ए बी सी का अनुपात था 4:5:3, मुझे बोला है तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तो इस काम को 25 दिन में करते हैं, ठीक है, कितना दिन में, 25 दिन में। तो आप बताओ टोटल काम कितना होगा, तो आप बोले कि एक दिन का काम कितना है, 5 × 9 = 3 = 12, तो 12 एक दिन में करते हैं तो 25 दिन में ख़त्म होता है, तो मतलब टोटल काम क्या है, 12 × 25। अच्छा मैं इसको गुणा करके नहीं लिखा क्योंकि आगे चल के कट ही जाता है इसीलिए, ठीक है, या आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आएगा कि कब किसको गुणा करना है नहीं करना है। तो मैं बोला 12 × 25 का 35% काम, 35%, तो इसमें 35% निकाला, वो ए और सी कितना दिन में करेंगे, तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना, 4 × 3 = 7, तो इस पर इसको 7 से डिवाइड दिए तो 7 तो नीचे रहेगा, कटने के बाद क्या है, 15, जो कि है 15 डेज में ए और सी ख़त्म करेगा इस काम को, ठीक है। आई होप समझ आया होगा आपको, नया तो वीडियो को पॉज करिए फिर से सोचिए, ठीक, खुद डाटा को आगे पीछे करिए आपको ज़रूर समझ आएगा। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप क्वेश्चन में 35 हमें क्या बोला है, देखिए एफिशिएंसी का जो ये टाइप 3 चल रहा है ना, एफिशिएंसी का निचोड़ निकाल लेंगे हम, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आप करोगे ही करोगे, ये गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू डैट ऑफ बी इज 3:7, मतलब किसी काम को करने के लिए ए और बी का जो क्षमता का दक्षता का अनुपात है वो 3:7 है, ठीक है, साथ में काम करते हुए कि उस काम को 10.5 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी का जो क्षमता है उस क्षमता से अगर साथ में वो काम करते तो काम 10.5 दिन में ख़त्म होता है। हमें पूछा है कि वो 8 दिन तक काम करते ए और बी, और जो काम बचता है उसका 60% ए कितना दिन में करेगा। देखिए अब मैं क्वेश्चन को आपको अच्छे समझाता हूँ, मुझे बोला है कि दो बच्चा है ए और बी, दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात है 3:7, ठीक है, दोनों मिलके इस काम को 10.5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, समझ गया मैं, यहाँ से तो टोटल काम निकाल लूँगा। अब हमें बोला है कि दोनों मिलके 8 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, 8 ही है ना, दोनों मिलके ए और बी काम स्टार्ट किया और 8 दिन काम किया, उसके बाद काम को छोड़ देते हैं। तो अब बोला कि जो 8 दिन काम किया उसके बाद जो और काम बचा ना, मतलब कि रिमेनिंग तो कुछ काम बचेगा, तो जो काम बचा उसका 60%, तो वो पूरा काम नहीं, बचा हुआ काम पूरा नहीं, बचा हुआ काम का सिर्फ 60% चाहिए हमको, वो जो है ए कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को कि अब बोलो ए और बी का एफिशिएंसी का क्या रेशियो है, आपने कहा 3:7,
अच्छा, ये जो काम 10.5 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या है कि टोटल काम आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो टोटल काम क्या होगा, आप बोले सर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 10। तो टोटल काम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों मिल के एक दिन में 10 काम, और दोनों मिल के काम करते तो 10.5 दिन में ख़त्म करते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 10 जो है इंटू 10.5, 10.5, तो 10 इंटू, इसको तोड़ लेते 10 ना 20 एक 21/2, ये 2 से ये 5 टाइम्स, और 21 पंजे 105। देखिए टोटल वर्क कितना है, आप बोले कुल कार्य है 105 यूनिट, ठीक है कुल कार्य है 105 यूनिट। अब आप बताओ कि ए और बी जो है 8 दिन काम करके छोड़ देगा, तो अब देखो ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 20 7, मतलब 10, एक दिन में 10 काम होता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, आप बोले 10 × 8 = 80 काम। समझे बातों का आप, क्योंकि ए और बी 8 ही दिन दिया हो, तो मैंने देखा कि 10 × 8 = 80 काम हो जाएगा। तो बोला है अब जो बचा काम, तो अब काम कितना बचा, आप बोले सर टोटल काम तो 105 था कुल कार्य, 80 हो चुका, तो बचा कितना, घटा लेते तो 25, 25 काम अभी भी बचा हुआ है भाई, 25 काम करना है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला कि 25 काम मत करो तुम 25 का 60% ही करो, ठीक है 25 का 60% ही करवाओ, ऐसे कितना दिन में करेगा। तो आपने बोला कि 25 का 60% ही चाहिए, तो 25 का 60% ही काम करवाओ, तो 0 से 0 2 से नहीं नहीं 2 से 3 बार में 2 से 5 5 से 5, मतलब 5 × 5 = 15, सिर्फ 15 ही काम करवाओ, ए से कितना दिन में करेगा हम देखते। तो आप बोलो 15 काम, ए एक दिन में कितना काम, 3, तो 15 काम करने में 15/3 = 5 दिन, ठीक है। आई गेस आई होप आपको समझ आया होगा, मैं आपको ऐसे एक बार रफ फिर से बताता हूँ कि मुझे ए और बी का जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी का अनुपात दिया था 3:7, दोनों मिलकर इस कार्य को 10.5 दिन में करते हैं, तो मैं यहाँ से कुल कार्य निकाला, एक दिन का काम कितना 10, 10.5 दिन में कितना काम किए होंगे 105, मतलब कुल कार्य कितना है टोटल वर्क 105। हमें बोला कि दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किए फिर छोड़ दिए, तो मैं बोला दोनों मिलकर तो एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 10 × 8 = 80 काम हो गया। देखते अब हमें बोला कि जो बचा हुआ काम है ना उसका 60% ए कितना दिन में करेगा, तो मैं बोला बचा हुआ काम तो 25 है, लेकिन हमको 25 काम नहीं करवाना है, बचा काम का सिर्फ 60%। तो आप बोले ठीक है 25 का 60% कितना, 15 15 काम ही एक इतना दिन में करेगा, तो एक का क्षमता है 3, 15 काम 3 क्षमता के साथ 5 दिन, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को 2-2 बार, ठीक है। या वीडियो को पॉज करके आप वापस सुनिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम, 36 होगा। चलिए 36 हम पढ़ते हैं कि ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, मतलब ए जो है एज एफिशिएंट एज बी का एंड सी का टुगेदर, मतलब ये है कि ए जिस समय में जितना काम करता है ना वो बी प्लस सी भी उतना ही करता है, मतलब बी प्लस सी और एक कुछ समय में एक ही काम करता है, तो ए उतना समय में एक काम करता था, मतलब समझे तो आप ए ज़्यादा क्षमता है, मतलब बी प्लस सी जितना काम करता है ना वो ए अकेले कर देता है, समझे बात को, ठीक है। अच्छा साथ में काम करते हुए ए और बी 36 दिन में काम करते हैं, कितना दिन में 36, चलिए हम इसको लिखते हैं कि साथ में काम करते हुए ए प्लस बी 36 दिन में काम करते हैं, ठीक है। एंड सी अलोन कैन कम्प्लीट इट इन 60 डेज, और सी अकेले इसको 60 दिन में पूरा करता है, तो मैं बोला सी इस काम को 60 दिन में पूरा करता है, ठीक है मैं ये भी लिख लिया। हमसे पूछा है, हमसे बोला है अब कि सी और ए 10 दिन तक काम करते हैं, सी और ए कितना दिन काम किए, तो आप बोलोगे 10 दिन, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो पूछा है कि जो बी बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है, मतलब सी और ए जो है 10 दिन काम करके छोड़ दिया, और जो काम बचा उसको बी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए और हमें एक चीज़ दिया था कि ए जो है, इसको भी लिख लेते हैं, ए जो है वो बी और सी का जो साथ में एफिशिएंसी है क्षमता है, मैं बोला अगर बी और सी एक है ना तो ए अकेला एक है, ये क्षमता का रेशियो है, ठीक है ये दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, ये लिख लिया हम कि ए अगर एक है तो बी प्लस सी मिला के एक है, समझिए माने हम लोग लेट किए, एफिशिएंसी तो अलग आएगा हम लोगों का। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि इसका एलसीएम लिए, टोटल काम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 180 आएगा, 36 × 5 = 180, 60 × 180, ठीक है ये आया। अब आप मुझे बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी का 5 और सी का 3, मतलब 5 × 3 = 8, टोटल कितना है 8 है। अच्छा यहाँ पे टोटल कितना है ए प्लस बी प्लस सी का, तो आप बोले 2, 2 ही है ना, क्योंकि ए का 1 और बी प्लस सी का मिला के 1, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 8 है यहाँ 2 है, मतलब इसको 8 करना होगा, ठीक है इसको
आठ करना होगा। तो अब इसको आठ करने के लिए हम क्या करें, इंटू चार करते, तो इसमें भी इंटू चार, इसमें भी इंटू चार, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है चार, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है चार। अच्छा बी प्लस सी का भी चार, मतलब बी प्लस सी का मिला के एफिशिएंसी है चार। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि मुझे पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी कितना है चार। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना है चार। अच्छा सी का एफिशिएंसी कितना है तीन, तो मुझे पता चल गया सी का तीन है। अच्छा तीनों का जोड़ के आठ है ना, तीनों का जोड़ के आठ है, तो अब मुझे बता दो बी का एफिशिएंसी कितना है। तो ये तो बच्चा भी बोल देगा कि सर चार तीन सात हो गया, ये एक होगा। समझे बातों का आप, अपने यहाँ तक समझिए। ठीक है, मैं आपको वापस समझाता हूँ कि क्वेश्चन में हमें दिया था पहला लाइन कि ए जो है बी प्लस सी के इक्वल क्षमता वाला है, दक्षता उतना कि ए का दक्षता बी और सी का मिला के, मतलब मैं एक माना तो बी प्लस सी भी एक ही है। अच्छा अब हमें दिया था ए प्लस बी 36 दिन में कर सकता है काम को और सी 60। मैं एलसीएम लिया, टोटल काम आया ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, सी का 3। अब मैं अगर यहाँ पे देखा कि ए प्लस बी प्लस सी का कुल क्षमता कितना, तो 5 3 8। ठीक है, लेकिन मैं देखा कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये सेट नहीं हो रहा, ये कथन के जो मैं सेट नहीं हो रहा था, मतलब एक एक यहाँ टोटल कितना है दो, लेकिन होना कितना चाहिए था तीनों का मिला के आठ, यहाँ तीनों का मिला के दो ही है, मतलब चार से गुना करना है। तो मैं इसमें भी गुना किया तो ए का कितना है चार, बी प्लस सी का मिला के चार। ठीक है, अब मैं देखा ए का एफिशिएंसी चार है, ए का चार है, आप बोलो ए प्लस बी का कितना है पाँच, तो चार चला गया तो कितना बचा बी का, बी का एक ही बचा। ठीक है, बी का एक बचा, और सी का कितना है, तो आप बोले तीन, सी का तीन, तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। ठीक है, मैं दो दो बार आपको समझाया, अच्छे से समझाया। चलिए अब हमें दिया है कि सी और ए 10 दिन काम करते हैं, सी और ए 10 दिन काम करते हैं। ठीक है, देखिए सी और ए 10 दिन काम करते हैं, तो आप बोलो सी का एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोले तीन और ए का चार, तो कितना काम किया टोटल सात, लेकिन 10 दिन तक काम करते, तो सात गुने 10, ये तो एक ही दिन का काम है ना, चार एक दिन का काम, तीन एक दिन का काम, तो ए और सी मिलकर एक दिन में सात काम। तो हमें बोला ए और सी सात 10 दिन काम किए, तो 70 काम कर चुके, कितना कर चुके 70 काम कर चुके। ठीक है, हमें पूछा है जो बचा काम है ना उसको ए कितना दिन, बी कितना दिन में करेगा, तो बचा काम कितना, तो आप बोलोगे बचा सर 180 टोटल काम था, ये टोटल काम था, तो कितना काम बचा, तो आप बोले 180 में सर 70 को घटा देते हैं, तो 110 काम है। ठीक है, ये काम है, ये काम को हमें पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ बी कितना दिन लेगा इस काम को करने में, तो आप बोले दिन क्या होता है कार्य बट्टा क्षमता, तो क्षमता मतलब क्या, बी का क्षमता कितना है, आप बोलोगे एक, तो एक क्षमता के साथ कितना दिन लेगा, तो आप बोलोगे 110 ही दिन लेगा, कितना 110 दिन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो, नहीं आया तो आप वीडियो को करिए पॉज, फिर से देखिए, और फर्स्ट क्लास मिस मत करिए, फर्स्ट क्लास को वापस देखिए। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं जब साइड हो जाता हूँ तब स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हमें क्या बोला है इसमें कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ठीक है, आप इस भाषा को समझिए कि ए बी से दो गुना ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले कि ए बी से दो गुना ज़्यादा अच्छा है, दो गुना ज़्यादा कुशल है, दो गुना ज़्यादा क्षमता वाला है, दो गुना ज़्यादा दक्षता वाला है, एफिशिएंट है, एज मच एज गुड वर्कमैन है, मतलब ये सब भाषा किसको दिखाता है, ये भाषा उन लोगों का एफिशिएंसी क्षमता को डायरेक्ट दिखाता है। आप ये दिमाग में बैठाइए, वो लोग कुछ भी लिख के कन्फ्यूज करें, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर वो उन लोगों का काम को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग एफिशिएंसी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का क्षमता का जो रेशियो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें बोला है इंग्लिश वालों कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, मतलब कि ए जो है बी से दोगुना अच्छा कार्य करने वाला है, मतलब अगर बी एक काम करता है तो ए दो काम कर देता है, समझे बात को। चलिए, और बी जो है ट्वाइस है किस से, सी से, मतलब बी दोगुना अच्छा है सी से, ए पहले दोगुना अच्छा है बी से, फिर बी सी से अच्छा है। और हमें बोला है कि ए और बी इस काम को चार दिन में कर सकते हैं, तो सी कितना दिन में करेगा, सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए पहले हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो लिखते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी। हमें क्या बोला कि ए दोगुना है बी से अच्छा, दो अनुपात एक, मतलब ए दो है तो बी एक ही है। अब सेकंड में बोला है कि जो बी दोगुना है सी से, आपको रेशियो तो आता ही होगा तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बेसिक है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो क्या करते आप, ये एक है ये दो है, तो बी का दो जगह अलग अलग पॉसिबल मान, तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब इसमें दो से इंटू करना होगा इसमें एक से, तो आपने दो दूना चार, ये तो दो हो जाएगा, और नीचे है तो ए गुना एक, मतलब कि ए और बी और सी का जो कार्य क्षमता
मतलब एफिशिएंसी, दक्षता, ये सब का रेशियो क्या आया है? तो आप बोलोगे 4-2-1। और हमें क्वेश्चन में आप दिया है कि ए और बी जो है इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो आप यहाँ क्या यहाँ से टोटल काम निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ। टोटल काम कितना? तो आप बोलो कि ए और बी, मतलब कि ए और बी इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो आप बोले ये लोग 1 दिन में कितना काम करते हैं? ये 4, ये 2, मतलब कि 4 2 6, 4 + 2 6 काम करते हैं 1 दिन में, दोनों मिलके 4 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब 4 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो ये दोनों 4 दिन में काम कितना करते हैं? तो आप बोलोगे 24। मतलब टोटल काम यही है 24, यही टोटल काम है, क्योंकि ए और बी हमें दिया है कि इस काम को 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। हमसे पूछा है कि इस काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ काम है 24, ठीक है, कितना दिन लेगा वो सी? तो काम बट्टा क्षमता, तो सी का क्षमता है 1, तो 24/1, ठीक है, तो कितना दिन लगेगा? तो आपने कहा 24 दिन, ठीक है, 24 दिन। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, और यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप ज़्यादा घबराए नहीं, ध्यान से पढ़े और बार बार पढ़े, आपको क्लियर होगा चीज़ें। चलिए 38 हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 38 में थोड़ा हम लोग मिक्सअप हो गया क्वेश्चन, अब एफिशिएंसी पे ही आपको, ये मेंस लेवल पे आ रहा है, क्योंकि आपको डरना नहीं है। देखिए अब मैं जो बताऊंगा आपको एकदम क्लियर होगा चीज़ें, और बस बेसिक से पढ़ते जाइए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि दो वर्कर्स है ए और बी, ठीक है, दो वर्कर्स है ए और बी, दोनों साथ में काम करते हुए काम को 5 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। टू कम्प्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर इज। देखिए इस क्वेश्चन में जो बोला है कि ए प्लस बी जो है 5 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। अब हमें बोला नेक्स्ट स्टेटमेंट कि ए अगर अपना क्षमता का दोगुना क्षमता से काम करे, मतलब ए का जो क्षमता तो है ही, लेकिन उसका भी दोगुना से काम करे, मतलब 1 दिन में एक काम करता है तो अब 2 काम करेगा वो, ठीक है, और बी जो है नॉर्मल है, तो ऐसे में 3 दिन लगता है। तो अब ये वाजिब सा बात है, ये वाजिब बात है ये, ठीक है, फिजिबल है कि अगर आपका क्षमता बढ़ता है, अगर आपका काम करने का जो क्षमता है, पावर है, एफिशिएंसी बढ़ता है, तो आप कम दिन लेंगे, कम समय लेंगे, है ना। क्योंकि हम पढ़ाया था आपको डायरेक्ट भी कि एफिशिएंसी किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/टाइम के। अगर आपका एफिशिएंसी बढ़ता है तो टाइम घटता है, और टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी घटता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज़ हुआ है कि देखिए अब मैं इसका आपको 2 तरीका बताऊंगा, और दोनों तरीका बेहतरीन होने वाला है। पहले देखिए एक चीज़ है कि ए प्लस बी जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा, ये 3 तरीके से बताऊँगा, चलिए 2, यहाँ क्वेश्चन अभी हट रहा है, ठीक है, 3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले क्या बोला कि ए जो है अपना क्षमता का 2 गुना से किया होता, इससे आप यहाँ क्या समझ रहे हैं, मतलब ए का जो क्षमता है वो उससे 2 गुना से किया होता, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि पहला मैं फ्रैक्शन में आपको बताऊंगा जो बेसिक था, ठीक है, फ्रैक्शन वाला जो मेथड था, हम जो बेसिक सीखे वो बताऊँगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए जो है यही दिन में काम ख़त्म करता है, तो उसका 1 दिन का काम कितना? तो आप बोलोगे सर 1/A, ठीक है। जैसे मैं बोला देखो ए जो है 6 दिन में कोई काम करता है, तो मैं आपको बताया था कि ए का 1 दिन का काम कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/6, है ना, तभी तो, और तभी तो 6 दिन में कितना करेगा, 1 पूरा 1 काम, ठीक है, आप समझे बातों को। यही मैं बोला कि मैं क्या माना कि ए जो है यही दिन में काम ख़त्म कर सकता है, तो इसका 1 दिन का काम कितना होगा, आप बोलोगे 1/A, ठीक है, समझ आया होगा आपको। देखिए 1/A, अब मैं बोलूँ बी का 1 दिन का काम कितना, तो आप बी का 1 दिन का काम 1/B, अगर मैं बी ही दिन में बी ख़त्म करता है, ये माना कि मैं माना कि बी जो है बी दिन में काम ख़त्म करता है, तो 1 दिन में कितना 1/B, तो मैं अगर इसको जोड़ लूँ तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, ये ए का 1 दिन का काम है, ये बी का 1 दिन का काम है, तो 1 दिन का काम मतलब दोनों का 1 दिन का काम यहाँ पे मुझे मिल चुका है। दोनों का 1 दिन का काम कितना है, 1/A + 1/B, क्योंकि मैं यहाँ माना हूँ कि ए ए दिन में काम कर सकता है, बी बी दिन में, ठीक है। तो 1 दिन का काम 1/A, बी का 1 दिन का काम 1/B, तो 1 दिन का काम ए का, 1 दिन का काम बी का, तो दोनों का मिला के ये 1 दिन का काम है, ठीक है। अच्छा दोनों मिला के कितना दिन में काम ख़त्म कर दे, तो आप बोलोगे 5 दिन में, कितना
5 दिन में, क्योंकि ए प्लस भी दिया हमें 5 दिन में काम ख़त्म होता है। तो आप मुझे बताओ इन लोग 1 दिन में कितना काम करते हो, तो 1/5, क्या ये इसके इक्वल नहीं है? मैं क्या बोला, ए प्लस बी अगर किसी काम को 5 दिन में करते तो 1 दिन क्या होगा, तो आप बोलते 1/5। और यहाँ मैं वही माना ही था कि ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, दोनों का मिला के ए और बी का 1 दिन का काम है, और यहाँ भी तो ए और बी का 1 दिन का काम है, बस इसको हम इक्वेट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो आप बोले अभी, अच्छा सेकंड केस भी दिया हुआ है, सॉरी हमें सेकंड केस दिया है कि जो अगर ए अपना क्षमता का दोगुना से काम किया होता, ठीक है। मैं बोला ए का जो 1 दिन का काम कितना है, 1/1, अगर ये इससे दोगुना से काम किया होता, मतलब कि 1 दिन में जो काम करता है ना उसका भी दोगुना, तो मैं बोला ए जो है 1 दिन में इतना ही काम करता है, तो सर आप बोलो कि दोगुना काम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए जो है दोगुना क्षमता से काम कर रहा है, दोगुना दक्षता से, मतलब कि अगर ए जो है 1 दिन में 1/1 काम करता है, 1/1, तो अब वो दोगुना करेगा, मतलब ये काम का गुना 2, ठीक है। प्लस बी एज यूजल है, बी जो है वैसा ही है, तो 1/2, तो इस कंडीशन में मेरा काम कितना दिन में ख़त्म हुआ, तो आप बोलोगे सर 3 दिन में होता है, इसका मतलब क्या 1 दिन में कितना काम, तो 1/3। समझे बातों को, समझे होंगे आपकी। मैं बोला एक है 1 दिन का काम इतना है, लेकिन वो दोगुना क्षमता, मतलब जितना काम करता था ना उसका भी डबल, प्लस बी तो एज यूजल है, बी जितना था उतना ही है, तो इस कंडीशन में 3 दिन में ही काम ख़त्म होता है, इसका मतलब ए प्लस बी उस दिन 1/3 दिन में ही काम ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको घटा लूँ, माइनस माइनस माइनस, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस, ये दोनों घट के कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ कट जाएगा। अच्छा 1/a, यहाँ से क्या बचेगा कि 1/a माइनस ये 2/a इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/3। अच्छा अब यहाँ से मैं अगर a एलसीएम लूँ, तो आप बोलोगे a 1 और -2, मतलब -1 इज इक्वल टू, यहाँ से 15 एलसीएम दिया तो 5 3 जा और इधर 5, तो -2, 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कटेगा। आप बोले यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोले यहाँ से a आ जाएगा सर, a को उधर ले जाते 15 2 15 2/15 को इधर लाया, तो 15/2, मतलब कि a कितना आया 15/2, या इसको लिख सकते 7.5 दिन, ठीक है। तो काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 7.5 दिन, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है इसका उत्तर है। मैं क्या बोला कि मैं क्या माना कि ए का, ए जो है इस काम को ए ही दिन में ख़त्म करता है, और बी जो है बी ही दिन में ख़त्म करता है, तो ए का 1 दिन का काम कितना, तो आप बोले 1/1, बी का 1 दिन का काम कितना, 1/2, तो दोनों को जोड़ दिए तो दोनों का मिला के 1 दिन का काम है ना। अच्छा ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में काम ख़त्म करता है, इसका मतलब ए प्लस बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है, तो आप बोले 1/5, मतलब ये इसके इक्वल है। सेकंड केस में क्या बोला कि अगर ए 1 दिन का काम जो है वो डबल काम करता है, मतलब अपना 1 दिन के काम में डबल डबल एफिशिएंसी से, प्लस बी तो एज यूजल है 1/b, तो 3 दिन ही लगता है, तो उस केस में 3 दिन, मतलब 1 दिन का कितना काम होगा, बोले 1/3, तो 1/3। तो अब हम जब इसको घटाएँ तो मेरे पास ये और ये कट गया, ये बचा, यहाँ से मुझे ए कितना आ गया, 7.5 आया। ए को चूँकि हम लोग क्या माने थे कि ए ही दिन में ख़त्म करता है, बी ही दिन में ख़त्म करता है, इसलिए मेरा जो ए है वो 7.5 आया, इसका उत्तर गया 7.5, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ इसी क्वेश्चन का कि कैसे करेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ कि इस कंडीशन में क्या करता हूँ मैं कि टोटल वर्क, कुल कार्य बराबर कुल कार्य करूँगा, ठीक है, दोनों कंडीशन को इक्वल करके। नहीं आप समझते जाइए बातों को, साइड में कॉपी में रफ भी करते जाइए मैं जो बोलता हूँ, और क्लियर होगा, ठीक है। मैं बोला कि ए का एफिशिएंसी, अब मैं मानता हूँ ए है, समझ रहे बातों को आप, ए का एफिशिएंसी ए ही है, बोला मैं ए का एफिशिएंसी ए ही है, और बी का एफिशिएंसी बी ही है, क्षमता मतलब 1 दिन का काम, ठीक है, 1 दिन का जो भी समय दिया हुआ, 1 घंटा दिया तो घंटा का। मैं बोला कि ए का 1 दिन का काम ए ही है, बी का 1 दिन का काम बी ही है, मतलब 1 दिन में कितना काम, तो आप बोले ए प्लस बी का 1 दिन का काम है ये। अच्छा ए प्लस बी कितना दिन में काम ख़त्म करते, तो आप बोले 5 दिन, मतलब अगर हम इसको 5 से गुना कर दें तो क्या आएगा ये, तो आप बोलोगे कुल कार्य है ना, क्योंकि मैं ए को ए का ही क्षमता माना, एफिशिएंसी माना हूँ, बी का ही क्षमता, तो ए और बी ये क्या आया टोटल ए प्लस बी, तो बोले 1 दिन का ए प्लस बी का काम आया सर। अच्छा ए प्लस बी मिल के कितना दिन में काम ख़त्म करता, तो आप बोलोगे ए प्लस बी 5 दिन में करता है, मतलब अगर मैं ए का क्षमता ए ही माना, बी का क्षमता बी ही माना,
तो दोनों का दो जो क्षमता है इंटू पाँच करेंगे तो क्या आएगा, आप बोले टोटल काम, क्योंकि टोटल काम का फॉर्मूला आप कॉपी उल्टा कर देखिए, वहाँ पे है कि क्षमता गुने दिन, ठीक है, ये आया। अच्छा अब दूसरा केस क्या बोला है कि ए का क्षमता हम लोग यहाँ पे ए माने हैं, लेकिन ए का क्षमता जो है अब जो है दो ए हो जाता है, मैं ए का क्षमता मैंने एफिशिएंसी ए ही माना, लेकिन अब बोला वो ट्वाइस दो गुना हो जाता है, तो दो गुना हो जाएगा। अब बी एज यूजर रहेगा तो इस कंडीशन में कितना दिन में काम ख़त्म होता है, तीन, और काम तो टोटल एक ही होगा, काम तो टोटल एक ही होगा, काम थोड़ी चेंज होगा। तो मैं बोला इस कंडीशन में जब ए दो गुना हो जाता है तो 3 दिन में काम ख़त्म होता है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा। आप बोले हाँ सर सॉल्व कर लेते हैं, 5A + 5B बराबर 6A + 3B, हमने बोला ए उधर इधर से उधर हुआ तो ए बराबर 2B, मतलब कि यहाँ से हम क्या देखें कि a/b = 2/1, मतलब कि दोनों का जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ चुका है, अगर ए का क्षमता 2 है तो बी का 1 है, ठीक है। अब हमें दिया था कि इस काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप बोलो टोटल काम है कितना, तो टोटल काम यही है, या तो ए बी का वैल्यू इसमें डाल दो टोटल काम, या तो ए बी का वैल्यू इसमें डाल दो टोटल काम, ठीक है। मैं बोला ए 2 है, देखिए 2 b 1 है, तो 2 1 3, 3 5 15, मतलब टोटल काम कितना है, आप बोले 15, देखो इसका वैल्यू यहाँ डालो 24 सेम आएगा। मैं बोला ए 2 है बी 1 है, तो 2 2 4 और बी 1 तो 5, 5 3 15 ही आया, ठीक है, टोटल कार्य सेम आया। और हमसे पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो आप बोले काम है 15, ए का एफिशिएंसी है 2, तो 15/2 दिन, देखिए यहाँ से भी वही आया 7.5 दिन, ठीक है, कितना दिन, 7.5 दिन। देखिए मैं इसमें क्या किया, मैं बोला ए का एफिशिएंसी मैं ए ही माना, क्षमता बी का क्षमता मैं बी ही माना, तो दोनों मिलके जो 1 दिन में कितना काम करेंगे, आप बोले a+b, लेकिन काम ये लोग दोनों मिलके कितना दिन में करते ख़त्म, आप बोले 5, मतलब कि अगर क्षमता से दिन में अनुपात इंटू कर दिए गुना, तो कुल कार्य है ना, कुल कार्य इक्वल टू कुल कार्य करेंगे। अब बोला कि ए का एफिशिएंसी डबल हो जाए, तो अब 2 गुना हो गया प्लस बी, बी का जो एज यूजल है तो 3 दिन में काम ख़त्म होता है, तो ये भी टोटल कार्य है। यहाँ से मुझे जो ए और बी में क्या माना था कि इन लोगों का क्षमता है एफिशिएंसी है, तो ए और बी क्या आएगा, आप बोले क्षमता आएगा, यहाँ पे मैं ए और बी दिन माना था, तो फ्रैक्शन तरीका से ए जो है डायरेक्ट दिन ही आ गया, ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्षमता माना तो क्षमता आया। आप बोले टोटल काम कितना, तो बोला ए 2 b 1, तो या तो इसमें ढाल दो या तो इसमें, टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम आया 15, ए इस 15 काम को कितना दिन में करेगा, तो आप बोले सर काम दिन क्या होता है, कार्य बाय क्षमता, तो कार्य बाय क्षमता तो 7.5 दिन, ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, इसमें आप बेसिक लेवल पर आप नहीं सोच पाएंगे हालांकि, लेकिन आप जब आगे जाएंगे तो सोच पाएंगे, तो थर्ड में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो वही मैं आपको सोच के बताता हूँ, ठीक है, आप सोचिए, ठीक है, आप अपना जो कल्पना है उसको बढ़ाइए। अच्छा मुझे क्या दिया है कि a+b 5 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, ए लेकिन अपना एफिशिएंसी से 2 गुना से काम करे तो 3 दिन में ही काम ख़त्म होता है, इसका मतलब क्या है आप बताओ, इसका मतलब यही है कि देखिए मैं लिखता हूँ शायद आपको समझ आ जाए। देखो ऐसे तो a+b कितना दिन लेता है, तो आप बोलो 5 दिन, ठीक है। अच्छा अब हमें दिया है कि ए 2 गुना एफिशिएंसी से काम करे और बी तो ऐसे ही रहे, तो 3 दिन ही लगेगा, इसका मतलब क्या है कि 3 दिन में से काम ख़त्म हो जाएगा, कब, जब ए अपना 2 गुना एफिशिएंसी हो और बी तो सेम रहे, इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 दिन कम लगा ये क्यों लगा, ये जो 2 दिन कम लगा ये क्यों लगा, आप बोलोगे कि ये जो 2 दिन कम लगा मतलब जो a+b का ये जो 2 दिन का काम है, मतलब a+b ही ना 2 दिन और काम करता, यहाँ पर अगर मैं ए का क्षमता को नहीं बढ़ाता तो 3 दिन बाद तो a+b और 2 दिन का काम करता, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे भाषा में कि a+b का 2 दिन का काम कौन किया, आप बताओ a+b का 2 दिन का काम कौन किया, तो आप बोलोगे सर a+b का 2 दिन का काम जो है ना ए अकेला कर दिया, ये कौन किया अकेला, तो आप बोलोगे ए अकेला कर दिया 3 दिन में, समझे बातों को आप। मैं बोला a+b जो है 3 दिन में जो काम होता वही होता, और 2 दिन लगता है लोगों काम करने में इस सिक्वेंस में, तो आप बोले a+b का तो 2 दिन का काम जो था a+b का 2 दिन का काम घट गया, क्योंकि काम 5 दिन में होना था हुआ 3 ही दिन में, मतलब उस 2 दिन भी तो a+b काम करता, तो उस a+b का जो 2 दिन का काम है वो कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो आप बोले 3 दिन में ही ख़त्म हुआ, 3 दिन में कौन किया है ए, क्योंकि ए का क्षमता बढ़ा है, मैं यहाँ बी नहीं लिखा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ए ही किया उस 2 दिन का काम, क्योंकि बी तो 3 ही दिन यहाँ काम किया है,
ठीक है, अब समझेंगे ऐसा करता हूँ। तो देखिए यहाँ से भी वही चीज़ आएगा कि 2a + 2b बराबर 3a। ठीक है, यहाँ से देखिए आप घटा लीजिए, a बराबर 2b और a/b कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, a और b जो है 2/1 आ जाएगा। आप यही होता है कि इस सीक्वेंस में फिर आपको यहाँ पर ढालना होगा। ठीक है, कि 5 दिन में, तो आप बोलो a+b अगर 5 दिन में करता है तो टोटल काम कितना, 2, 1, 3, तो 5 दिन में करता है, एक दिन में दोनों का मिला के 3 काम, तो काम हुआ टोटल 15। पूछा है ए कितना दिन में करेगा, तो 15/2 अगेन 7.5। ठीक है, देखिए 3 तरीका था, आपको क्या करना है। अगर आप अभी तो बेसिक में आप ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है, कौन सा, सेकंड मेथड, यही है आपका। ये जब थोड़ा एडवांस होता है, जब आप ज़्यादा सोच सकते हैं तो वो करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको तो आप नहीं अपनाएंगे फ्रैक्शन को, ठीक है, इसको कभी नहीं अपनाएंगे। आप किसको अपनाएंगे, ये सेकंड मेथड, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट एंड क्लियर होते हैं क्वेश्चन को लेके। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक स्टेप ज़्यादा सोचना होता है, ठीक है, जो आपका 2-3 सेकंड्स यहाँ पे जो आप 2 लाइन लिखते हो उसमें बचा लेता है। ठीक है, तो आप अभी बिगिनर हो, आप प्रैक्टिस सीखो तो आप इससे करोगे, ठीक है, इससे। चलिए अब मैं नेक्स्ट इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन लेता हूँ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 38 था, 30 पहले 40 करते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, फिर 39। चलिए देखो, क्वेश्चन करने का मुझे भी बहुत तरीके याद आता है, लेकिन आप हर समय जो है ना हर चीज़ याद रखो ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप कभी किसी को ऐसे मत ये किया करो कि इनको ये चीज़ नहीं आता मतलब इनका वीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ अभी टाइम एंड वर्क में ये 3 तरीका बता दिया, कोई एक ही तरीका ही बताएगा डायरेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं आता, उनको नहीं आता है। ठीक है, आप ऐसे कभी मत कीजिए, उनको नहीं आता। अगर आप कभी भी टीचर के बीच में अगर आप कंपेयर करने लगे ना, या टीचर से आप सोचे कि आप ज़्यादा जानते हैं, तो आप समझ लीजिए उस दिन आपका मतलब खेल ख़त्म है। ठीक है, क्योंकि आप जिससे जितना ले सकते हैं लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप उसको ऐसे करके उसका कुछ मतलब उसके उसके लिए तो कुछ आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं कैमरा एक बार चेक कर लूँ, कैमरा वर्किंग और नॉट। चलिए कैमरा तो काम कर रहा है। क्वेश्चन 40 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 40 देखिए, यही सेम क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है कि वो लोग अपने यूजुअल एफिशिएंसी पे, मतलब सामान्य दक्षता पे, सामान्य क्षमता पे, ए और बी जो है काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखता हूँ डायरेक्ट कि ए और बी जो है यूजुअल एफिशिएंसी, मतलब जो उन लोगों का नॉर्मल क्षमता है, उससे 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें बोला है कि इफ़ ए हैड वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज ही डू, मतलब ए जो है अपना कार्य क्षमता का आधा से काम किया होता, और बी जो है थ्राइस मतलब 3 गुना से क्षमता से काम किया होता, तो काम 9 दिन में ही ख़त्म हो जाता। कितने दिन में ख़त्म हो जाता, 9 दिन में ही ख़त्म हो जाता। तो आप बताओ कि ए इस काम करने को कितना दिन लेगा अपने मतलब सामान्य क्षमता पे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या बोला है पहला केस कि ए और बी जो है, मैं क्या बोला, सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। मैं बोला ए का एब्सेंसी ए ही है और बी का एब्सेंसी बी ही है, मतलब ए प्लस बी कितना, या आप बोले एक दिन का काम इन लोगों का, ए प्लस बी का काम कितने दिन में ख़त्म करते दोनों मिल के, तो आप बोले 12, तो कुल कार्य बराबर कुल कार्य कर लेंगे। समझे बात को आप, मैं क्या बोला कि ए का एक दिन का काम ए, बी का एक दिन का काम बी, मतलब ये क्षमता ही माना हो मैं, ए का क्षमता ए, बी का क्षमता बी, एफिशिएंसी का ही माना हो, तो मैं बोला ए का एफिशिएंसी ए, बी का एफिशिएंसी बी, दोनों मिला के एक दिन का एफिशिएंसी कितना, तो ए प्लस बी। तो आप बोले दोनों मिला के जो कितना दिन में काम ख़त्म करते हैं, 12, मतलब ए प्लस बी जो है क्षमता गुने दिन क्या होता है, टोटल और कुल कार्य। तो मैं बोला इसको इससे इंप्रूव करते तो ये कुल कार्य है। ठीक है, अब इसको हम सेकंड केस, जो सेकंड सिचुएशन दिया उससे इक्वल करते। हमें बोला है जो ए जो है अपना एफिशिएंसी से आधा से काम करे, है ना, मतलब ए का एफिशिएंसी है तो ए, लेकिन आधा से ही करे, तो a/2, और बी अपना एफिशिएंसी का थ्राइस मतलब 3 गुना। तो मैं बोला कि ए इतना काम करेगा, बी अपना एफिशिएंसी का 3 गुना 3b, तो काम 9 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, आप समझे, समझे मैं क्या बोला कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए प्लस बी 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो मैं बोला कि ऐसा क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, टोटल काम को टोटल काम से इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोला ए को ए का ही एफिशिएंसी, बी को बी का ही एफिशिएंसी क्षमता मानते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना करेगा, बोले ए प्लस बी, लेकिन दोनों मिल के कितना करता है, कितना दिन में, 12। तो मैं बोला ए प्लस बी एक दिन का काम है, तो गुने 12 मतलब टोटल काम। तो अब सेकंड कंडीशन था
कि ए अपना क्षमता का आधा, ए अपना क्षमता का आधा और बी तीन गुना है, तो ये कंडीशन है तो 9 ही दिन में ख़त्म होता है। तो टोटल काम आप काटते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 4, तो आपने बोला 4A + 4B बराबर 3A/2 + 9B, ठीक है। तो आप देखिए A को एक तरफ ले आते हैं तो 4A - 3A/2 बराबर 4B उधर जाएगा घट जाएगा तो 9 में 4 गया 5B। चलिए 4 × 2 = 8, A में 3 गया तो 5A/2 बराबर 5B। अच्छा 5 से 5 कट गया तो आप बोलोगे सर ए बी को इधर ले आते हैं, B 2/1, मतलब हम ए और एफिशिएंसी माने थे ए और बी, तो ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का कितना है 1 है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ए अपने यूजुअल एफिशिएंसी से कितना समय में कर लेगा, तो आप बताओ ए का यूजुअल एफिशिएंसी कितना 2। अच्छा ए का जो है चेंज एफिशिएंसी क्या होता था, आप बोलते ए जो है अपना एफिशिएंसी का आधा से करता है तो 2 का आधा 1 होता। अगर हम क्वेश्चन पूछता कि चेंज एफिशिएंसी जो आप बाद में चेंज किया उस एफिशिएंसी से कितना दिन में करता, तो आप बोलते यूजुअल तो 2 है क्योंकि ए यूजुअल ही माने हम लोग, ए यूजुअल ए बाय 2 जो है वो चेंज हुआ था हाफ, मतलब ए तो 2 है तो 2 का आधा 1 हो जाता। लेकिन यहाँ हमें पूछा यूजुअल ही, मतलब जो सामान्य है, सामान्य कितना है 2 ही है। आप बोलो कि काम कितना है टोटल, तो आप बोलो 2 और 1 जो ए बी का वैल्यू या तो यहाँ बैठा तो या तो यहाँ सेम आएगा, ठीक है। तो मैं बोला कुल कार्य के लिए यहाँ बैठा देता हूँ मैं, तो 2 + a + b + 2 = 3 और 12 है तो 12 + 36, तो कुल कार्य आप बोलोगे सर 36 आया है। हमें पूछा इस कार्य को कौन ए कितना दिन में करेगा, तो आप बोलो 36 काम को करने में ए का एफिशिएंसी 2 है तो कितना दिन लगेगा, तो आप बोले सर ए को जो दिन लगेगा वो होगा 36 काम है और क्षमता है 2 तो डिवाइड कर लेते हैं 18 दिन, ठीक है कितना लगेगा, तो आप बोलोगे 18 दिन, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 18 दिन, जो कि ऑप्शन ए में ही है, ठीक है ऑप्शन ए में ही है। देखिए मैं आपको इसको फिर से बताता हूँ, मुझे बोला था कि ए और बी 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब मुझे 2 कंडीशन याद था कि एक दिया था कि ए जो है अपना एफिशिएंसी से आधा से करे और बी जो है 3 गुना। आपको जब भी ऐसा मिले ना तो आप यही करो कुल कार्य बटा बराबर कुल कार्य। तो मैं बोला ए अगर ए का एफिशिएंसी है बी बी का तो 1 दिन में कितना काम ए प्लस बी, तो 12 दिन में कितना काम, आप बोले ये टोटल काम होगा। अच्छा सेकंड केस में तो टोटल काम इक्वल ही होगा, मैं क्या किया टोटल काम इक्वल टू टोटल काम, ए का एफिशिएंसी ए ही है तो अब आधा एफिशिएंसी हो गया तो 1/2 हो गया, ठीक है 1/2 हो गया और बी जो है 3 गुना कर लिया तो इस केस में 9 दिन में ही हो गया, मतलब ये एफिशिएंसी गुना 9 तो टोटल काम आया, तो टोटल काम इक्वल टू टोटल काम। अब मैं काट के जब गुना किया तो ए और बी का एफिशिएंसी आ चुका मेरे पास, मैं बोला टोटल काम कितना, या तो ए और बी का वैल्यू यही है या तो इसमें ढाल दो या तो इसमें, काम 36 ही आता 36 ही आएगा। मैं बोला यहाँ ढालता हूँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना 3 और 12 + 36 36 काम है टोटल, 36 काम हमें बोला ए कितने दिन में करेगा ए, तो ए का क्षमता है 2 तो 36/2 18 दिन, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, सांस लीजिए, डीप ब्रेथ, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 40 था, ठीक है। मैं बोला था 39 नंबर अप करवाऊंगा, तो देखिए आप 39 करवाता हूँ आपको, मैं साइड होगी आप स्क्रीन शॉट ले जाओ, पॉज करके देखिए अच्छे से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं आप कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए जो है 3 गुना क्षमता है दक्षता वाला है बी से, ए जो है काम स्टार्ट करता है अकेला और 4 दिन के बाद वो बी से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। बी देन वर्क फॉर 15 डेज, बी उसके बाद 15 दिन काम करता है और छोड़ देता है। तो हमें बोला इस मतलब इस सिक्वेंस में जो काम हुआ है इसमें ए और बी जो है काम किया 75% ही किया है, मतलब 25% बचा हुआ था अभी। तो पूछा है कि कितना दिन में बी जो है पूरा काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें दिया ए जो है 3 गुना एफिशिएंट है बी से, मैं बोला ए से बी का जो क्षमता है कार्य क्षमता, ये क्षमता एफिशिएंसी वो कितना है, ए है 3 गुना है बी से, ठीक है ये क्षमता है। अब हमने बोला है कि ए जो है 4 दिन काम करके बी से रिप्लेस हो जाता है, मैं बोला ए का 1 दिन का काम कितना है 3, तो ए जो है 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे सर 3 × 4 क्योंकि ए का 1 दिन का काम है 3, 4 दिन में 4 × 3 = 12 काम, ठीक है। अब क्या हुआ, बी इसको बदल लिया, बी इसके जगह पे आ गया, बी इसको रिप्लेस कर गया, मतलब अब ए नहीं है अब बी है, अब बी जो है कितना दिन काम किया, तो आप बोले 15 दिन,
नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप बी 15 दिन काम करता है, तो बी की एफिशिएंसी 1, तो 15 से गुना कर लेते हैं तो कितना काम किया है, 15, तो आप बोले टोटल काम कितना हो गया सर, तो बोले 27, मतलब 15 और 12 27, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इस सीक्वेंस में जो काम का 75% ही हुआ है, समझना आप लोग भाइयों कि इस सीक्वेंस में काम हुआ है तो काम का सिर्फ 75% ही कंप्लीट हुआ है, मतलब कि ये जो 27 है ना, ये 75% के इक्वल है। 75% किसको दिखा रहा है, 27 काम को। तो आप बताओ काम परसेंट में क्या होता है, पूरा 100%, तो 100% कितना, तो आपने कहा सर 27/75 गुना 100, 25 से 4, 25 से 3, 3 से 9, मतलब कि काम टोटल है 36, काम टोटल कितना है 36, लेकिन इस सीक्वेंस में काम होता है कि ए सिर्फ 4 दिन काम करता है, 4 दिन में 12 काम, बी 15 दिन करता है, तो 15 दिन में एक क्षमता के साथ 15 दिन काम, टोटल काम कितना हुआ 27, और क्वेश्चन में हमें दिया था इस सीक्वेंस में काम करने पे सिर्फ 75% ही काम हुआ है, इसका मतलब और काम बचा हुआ है अभी 100, मैं बोला 75% का 27 हुआ, तो 100% कितना 36, मतलब काम टोटल है 36, और हमसे पूछा है कि टोटल काम करने में बी को अकेले कितने दिन लगेगा, तो आप लोग काम टोटल 36 है तो बी को कितना दिन लगेगा, बी को दिन 20 डे, बी का दिन कितना लगेगा, आप बोले काम बटा क्षमता, तो बी का क्षमता है कितना, तो आप बोले 1, तो 1 से डिवाइड कर लेते हैं 36 दिन, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बी को कितना लगेगा 36 दिन। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिए जो भी करना है। चलिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मैं एफिशिएंसी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को उठा लिया हूँ, क्योंकि अभी जो एफिशिएंसी का क्वेश्चन ही, चाहे वो रेलवे हो, जीडी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सब एग्ज़ाम्स में एफिशिएंसी से ही पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, इसमें हमें बोला है कि किसी काम को करने में, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, क्योंकि ये हैबिट आपको लगाना होगा। मैं करता हूँ कि किसी काम को करने में द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज इतना, मतलब कोई काम करने में ए बी और सी का जो अनुपात है वो 7:5, 5:6 है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर वो लोग 35 दिन में काम कर सकते हैं, साथ में काम करें तो 35 दिन में काम कर सकते हैं। हमें बोला बी और सी जो है 21 दिन काम करते हैं और बचा हुआ काम कितना दिन होगा। हमें देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी का जो कार्य क्षमता दिया हुआ रेशियो, हमें बोला तीनों मिलकर 35 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी 21 दिन तक काम करते और छोड़ देते, तो जो बचा हुआ काम वो ए कितना दिन में करेगा। बस एकदम आसान क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं कि ए बी और सी का जो कार्य क्षमता है वो किस रेशियो में, एफिशिएंसी का आप बोले सर 3, 7, 5, 6, अच्छा तीनों मिलके कितना दिन में काम ख़त्म करते, तो 35 दिन में, तो आप बोलो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बोले 7, 5, 12, 6, 18, मतलब एक दिन का काम है 18, और तीनों मिलके अगर काम करते ना तो 35 दिन लेते काम ख़त्म करने में, तो आप बोले एक दिन में 18 काम, तो 35 दिन में कितना काम, तो 35 से 2 कर ले, यही टोटल वर्क है, समझे बात हो ना। एक दिन का काम मैं तीनों का निकाल लिया, तो 7, 5, 12, 6, 18 तीनों मिलके अगर काम करे, ठीक है, तो 35 दिन लगता है, तो इसका मतलब एक दिन में 18 काम, तो 35 दिन में कितना काम किए होंगे वो लोग, तो 18 × 35 ये टोटल वर्क है या कुल कार्य है, ठीक है। हमें बोला है बी और सी जो है 21 दिन काम किया, तो रिमेनिंग काम कितना दिन में ख़त्म होगा, तो यहाँ पे हमें करना होगा कि 18 और 35 गुना करने पे कितना आएगा, आप बोलोगे 18 × 5 = 90, 9 × 18 = 54, 9 = 630 काम, ठीक है, मतलब टोटल काम कितना है 630। अच्छा बी और सी कितना दिन काम किए, 21 दिन, तो आप बताओ बी का एफिशिएंसी कितना, 5, सी का कितना 6, मतलब एक दिन में कितना काम 6, 5, 11 काम, ठीक है 11, तो मतलब बी और सी जो है 21 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोले सर 11 × 21 इतना ही काम करेंगे, तो मुझे तो पता है इसको गुना करने का तरीका, लास्ट में जो है उसको लिख लेते हैं, फिर 2 × 3 और 2, मतलब 11 × 21 किया हो, ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। तो आप बताओ कि जो बचा हुआ काम है वो एक कितना दिन में करेगा, तो काम है टोटल इतना, इतना काम हो गया, तो बचा कितना काम, अब घटा लेते हैं, है ना, 12 में से 3 = 9, 5 में से 2 = 3, मतलब इतना काम बचा है इसको ए कितना दिन में करेगा, तो अब ए का एफिशिएंसी कितना है 7, काम कितना है 399, तो ए कितना दिन में करेगा, ए का दिन जो है वो कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर 399/7, तो 7 × 5 = 35, 4 × 9 = 7, 49, कितना दिन लगेगा सर 57 दिन लगेगा,
मैं कुछ नहीं किया, मुझे क्या था, तीनों का जो कार्य क्षमता दिया होता है एफिशिएंसी, और हमें बोला 35 दिन में तीनों काम कर सकता है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यही है कि 18 गुना 35 करते हैं तो वो टोटल काम आएगा, तो 630 टोटल काम है। अब हमें बोला कि बी और सी 21 दिन काम किए हैं और जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में ख़त्म करेगा। मैं बोला बी और सी 21 दिन में कितना काम करेंगे, तो बी का एफिशिएंसी 5 क्षमता और 6, तो 6 5 11 क्षमता के साथ 21 दिन में इतना काम हुआ, तो बचा कितना काम, इससे इसको घटाएं 399, तो 399 काम जो है ए कितना दिन में करेगा, तो आप बोले सर 399 बटा 7, तो 57 दिन। ठीक है, आई गेस एंड आई होप आपको समझ आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से मैं बोला एफिशिएंसी को एकदम निचोड़ के रख दूंगा, ठीक है, हालांकि सब क्वेश्चंस को ही निचोड़ के रखा हूँ। देखिए इसमें हमें जो है ए बी सी का जो कार्य क्षमता दिया हुआ है 1/4, 1/12 और 2/3। अच्छा, इफ़ ए एंड सी कैन कम्प्लीट द वर्क टुगेदर इन 12 दिन, तो बी जो है इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आसान है, जस्ट फ्रैक्शन में भागा में देखिए हमें कंफ्यूज करने का सोचा है, तो हम तो है, आप तो है हमसे पढ़ने वाले, कंफ्यूज तो होंगे नहीं। तो आप बताओ 1/4, 1/12 और 2/3, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में तो चीज़ें मुश्किल हैं, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो हर में है, जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम लेते हैं। तो आप 4 12 3 का एलसीएम कितना, तो 12 ही, 12 से इसको इंटू कर लेते हैं। तो आप बोले जब 1/4 × 12 होगा तो 3, 1/12 × 12 होगा तो 1, 2/3 × 12 होगा तो 3 से 4, 4 × 2 = 8। मतलब कि ए बी सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है हम लोग एक न्यूमरेटर में लेके आ गए 3:1:8 है। ठीक है, समझे आप बातों को, देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे जो है इन लोगों का क्षमता जो है मतलब फ्रैक्शन में दिया था, मतलब भाग में दे दिया था। ठीक है, भाग में दे दिया था, मैं क्या बोला कि भाग को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हर का मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता हूँ। तो 4 12 और 3 का एलसीएम कितना, 12 ही है। एलसीएम क्यों लेते, ताकि इससे ये पूरा कट जाए। ठीक है, और ऊपर जो बचे बचे, नीचे नहीं बचे। तो मैं बोला 12 आया तो 1/4 × 12 कितना, तो आप लोगे 3, 1/12 × 12 कितना, आप बोलोगे 1, 2/3 × 12 कितना, आप बोले 3 × 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, दिनों का एफिशिएंसी आ चुका है और हमें दिया है कि ए और सी जो है इस काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, 12 दिन में, तो आप बताओ ए का एफिशिएंसी कितना है, आप बोलोगे 3, बी का एफिशिएंसी कितना है 8, तो 8 × 3 = 11, मतलब टोटल काम कितना होगा। आप बोलोगे सर टोटल अगर हम निकाल लेंगे कि 8 × 3 = 11 एफिशिएंसी वाला जो है इस काम को कितना दिन में करता है, 12, तो 11 × 12 ही है टोटल काम। तो टोटल काम कितना आएगा, आप लोग 132। अच्छा, 132 है टोटल काम। अब हमें दिया है कि बी इस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, तो आप बताओ बी का क्षमता कितना, 1, काम कितना 132, तो बी जो है कितना दिन लेगा, तो 132/1 132 दिन। ठीक है, 132 दिन। मैं एक बार कैमरा देख लूँ काम कर रहा है या नहीं, चलिए कैमरा काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखिए इसके बाद मेरे पास और 4 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 42 तक हम लोग कर चुके हैं, कितना तक, 1 से 42 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, जिसमें हम लोग टाइप 1 पढ़ा, 2 पढ़ा और 3 पढ़ा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 और 46। ठीक है, ये जो 4 है, ये 4 क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, ये एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो इसको मैं टाइप में कवर नहीं किया था, इसको मैं जस्ट बीच में घुसा दिया था कि मुझे जब ये क्वेश्चन आए तो याद आ जाए। ये 4 क्वेश्चन स्पेशल टाइप का, फिर 47 से आपका 47 48 टाइप 4 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी है नंबर चलते रहेगा 5 और 6 आ जाएगा टाइप। तो ये जो है टाइप 3 तक है, ये 4 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें हमें बस एक चीज़ याद रखना होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आप बेसिक से करने जाओ तो बहुत लंबा होगा, इसलिए इसका एक शॉर्ट चीज़ जो है डायरेक्ट वो हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैं अभी क्या बोला, टाइप 1 2 3 हो चुका है हम लोग का, 1 2 3। अब हम लोग ये 4 क्वेश्चन स्पेशल टाइप है, ये 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद
ये एक टाइप है जिसमें चार तरह का क्वेश्चन बन सकता है, चारों में उठा लिया उसका 47 से टाइप 4 स्टार्ट होगा, फिर 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे 43 44 45 46, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 43 44 45 46 स्पेशल टाइप है ये। देखिए जैसे कि हम लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक सेकेंड, चलिए चलिए अब देखिए, ठीक है आप समझिए, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा ध्यान से कि हमें कहा है कि ए और बी जो है किसी काम को साथ में करते हुए डी दे में ख़त्म कर सकते हैं, डी दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक साइड से लिखते भी चलता हूँ कि जो ए प्लस बी है किसी काम को डी दिन में ख़त्म कर सकता है। आप, मैं बोला था वेरिएबल देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ए बी सी डी ई से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वही चीज़ है, नंबर नहीं है तो क्या हुआ। चलिए अब हमें बोला है कि एक अगर ए अकेले काम करे तो उसको 8 प्लस डी दे लगता है, ठीक है। मैं बोला ए अगर अकेले काम करता है तो उसको डी से 8 ज़्यादा, मतलब 8 प्लस डी दिन लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बोला है। अच्छा बी को 18 प्लस डी लगता है, मैं बी अगर अकेले काम करे तो उसको डी से 18 ज़्यादा, ठीक है, 18 प्लस डी दिन लगता है। तो हमें बोला है कि इस सेम काम को करने के लिए ए वर्क करता है 4 दिन, ए 4 दिन काम किया और जो बचा हुआ काम है वो बी कितना दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था, हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, ए प्लस बी मिल के किसी काम को डी दिन में ख़त्म करता है, ए अकेले 8 प्लस डी, बी अकेले 18 प्लस डी। अब हमें क्वेश्चन में जैसा बोला वो तो करेंगे हम लोग, ए 4 दिन तक काम करता है तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसका रिजल्ट ऐसा क्यों लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आदमी है x प्लस ए दिन में ख़त्म करता है काम, कितना x प्लस ए, यही दूसरा आदमी है, अच्छा ये नहीं, जैसे मैं ये बोला कि a है, b जो है x प्लस बी, और दोनों मिला के जो है वो x दिन में ही ख़त्म करते हैं, कितना में, x दिन में ही ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन याद रखना है डायरेक्ट कि ये जो x है ना, इस x का वैल्यू क्या होता है, ये जो x है ना, ये जो x है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है x क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। x क्या होता है अंडर रूट ए बी, मीन्स ये x कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ भी यहाँ भी, ये a और b एक्स्ट्रा है, तो x क्या होता है, x का वैल्यू डायरेक्ट की इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी। देखिए मैं इसको आप यहाँ पर ढालता हूँ, फिर उसको आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर d कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा कौन है, आप बोलोगे 18 या 8, मतलब जो d का वैल्यू है ना, मतलब जो कांस्टेंट है, जो है तो वो है ही, तो उसका वैल्यू, मतलब यहाँ पे d है तो d का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट ए 8 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 18 एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे इसका अंडर रूट तोड़ते हैं तो यहाँ से 9 निकल, यहाँ से 9 निकला तो 3, अच्छा 9 निकला तो 2, 8 गुना 16, 16 का 4, और d का वैल्यू कितना आ गया 12। इसका मतलब ये है डायरेक्ट कि a प्लस बी जो है इस काम को 12 दिन में करता है, डायरेक्ट डी का वैल्यू कितना आ चुका है 12, मतलब ए प्लस बी डी है तो डी 12, ए कितना है 8 प्लस डी, तो 8 प्लस डी कितना, आप बोलोगे 12 8 20, अच्छा बी कितना, तो आप बोलोगे 18 प्लस डी, तो 18 प्लस डी कितना 30, ठीक। इन लोगों का जो रिस्पेक्टिव आ चुका है मेरे पास, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, जब आप इसको करोगे ना फ्रैक्शन मेथड से, ये देखिए अभी मैं इसको मिटाता हूँ, मैं बोला ए इतने दिन में काम करता, तो आपको पता है ए का एक दिन का काम कितना होगा, आप बोलोगे एक्स प्लस ए, अच्छा बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो आप बोलोगे प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस बी, है ना, वही चीज़ है। ए 5 दिन में करता तो 1 बट्टा 5 एक दिन का, वैसे ए इतना दिन में करता तो एक दिन का 1 बट्टा एक्स बट्टा है, दोनों मिला के एक्स 1 बट्टा एक्स, ठीक है। अब जब एलसीएम लोगों ने यहाँ पे, इसलिए मैं बोला स्पेशल टाइप पे इसमें डायरेक्ट याद रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बचेगा आप बोलोगे एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, ठीक है यही आएगा, और यहाँ से फिर आएगा मेरे पास कि 2x प्लस ए प्लस बी, अच्छा ये x इंटू कर देते सब में, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, अच्छा इसको उधर ले आके भी इंटू कर लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी,
यही है। अब बोले ए एक्स से एक्स कट जाएगा, बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, ठीक है। अच्छा टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर है तो एक्स स्क्वायर घट के बराबर क्या बचा, सिर्फ ए बी। तो यहाँ से मैं बोला एक्स कितना, तो अब बोले अंडर रूट लगा देते दोनों तरफ, तो एक्स का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट ए बी। तो हम लोग इस चीज़ के लिए डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखते हैं कि ऐसा जब भी दिया हो कि दोनों मिल के इतना दिन में, ये इससे इतना ज़्यादा, ये इससे इतना ज़्यादा, तो जो ये एक्स का वैल्यू होता है जो डायरेक्ट, वो क्या होता है जो एक्स्ट्रा दिन है ना उसका इंटू करके अंडर रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ किया, तो बस उसी मेरे पास क्या है ए प्लस बी इतना, ए इतना बी इतना। तो अब हमें देखिए ये हटाओ, हमें क्या बोला है कि दोनों का अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम, कि 20 30 60 तीन दो, ठीक है आपको समझ आया। हमें बोला है कि ए चार दिन काम किया, तो ए का क्षमता कितना है तीन, तो तीन क्षमता के साथ चार दिन में कितना काम किया, आप बोले 12। तो आप बोला बचा हुआ काम बी कितना दिन में करेगा, तो आप बोले काम टोटल 60 है, 12 हो गया, आप बोले बचा कितना घटा लेते हैं 48, तो इस 48 काम को करने में बी कितना दिन लेगा, तो आप बोले बी का क्षमता है दो, तो 48/2 24, ठीक है। आप देखिए अब क्वेश्चन फ्लैश हुआ है, आप देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, पॉज करिए क्वेश्चन को, लिखिए देखिए जो करना है, फिर क्वेश्चन हटेगा क्योंकि ये चीज़ है इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, सेम चीज़ है, आप उसको लिखे होंगे तो आप डायरेक्ट उसको कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ए इसमें क्या है कि कंप्लीट अ वर्क इन 10 1/8 मोर डेज देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब भाषा में क्या है कि ए जो है 10.1/8 दिन ज़्यादा लेता है किससे, ए प्लस बी जितना दिन लेता है उससे। तो अब देखिए मैं अगर बोलूँ कि ए प्लस बी अगर एक्स दिन लेता है, तो ए जो है ए प्लस बी जितना दिन लेता है ना उससे 10.1/8 ज़्यादा दिन लेता है। तो मैं बोला ए जो है ये ए प्लस बी एक्स दिन लेता है, इससे ज़्यादा लेता है कितना 10.1/8 दिन, ठीक है। यही भाषा लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि बी जो है 12.5 दिन ज़्यादा लेता है देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, मतलब ए और बी जितना दिन ले रहा है ना उससे 12.5 दिन ज़्यादा, कितना 12.5 दिन ज़्यादा। तो हमसे पूछा है अब कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैं बोला इस स्पेशल टाइप को आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि एक कांस्टेंट है जो तीनों में है और ये इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा, मतलब जो ये एक्स है ना एक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट ये इंटू 12.5, ठीक है। वही बताया था मैं, बोला एक्स कितना आएगा, तो आप बोले 10/8 80/81/8 इंटू 125 में क्या लिख सकते हैं 125/0 गया तो नीचे 10 आएगा और 5 से 2 5 से 25, तो 25/2। तो अब आप एक्स क्या बोलोगे, तो 81 का 9 25 का 5, अच्छा 8 2 16 16 का 4, 9 5 45/4। तो एक्स का वैल्यू क्या आया है 9 5 45/4 आया, ठीक है। तो बी कितना दिन में करेगा, तो आप बताओ बी कितना दिन में करेगा, तो मैं तो बता दूंगा कि बी कितना दिन में करेगा। मैं बोला एक्स का वैल्यू इतना है और बी का कितना है एक्स प्लस इतना, तो बी कितना दिन में करेगा, तो आप बोलोगे एक्स क्या 45/4, अच्छा फ्रैक्शन में है क्या, फ्रैक्शन में ही, तो आप बताओ कि बी कितना दिन में करेगा, तो एक्स प्लस इतना है ना, डायरेक्ट दिया हुआ है कि बी कितना दिन में करेगा, तो एक्स प्लस इतना दिन में बी करता है, तो एक्स का वैल्यू आ चुका है प्लस इतना कर देंगे बस, तो आप बोलोगे सर 45/4 प्लस 12.5, मतलब कि अगर यहाँ से पॉइंट हटा तो 10 5 से 2 5 से 25। अब दोनों को जोड़ लेता हूँ, एलसीएम आया 4 45 प्लस 50, मतलब कि 50 45 95/4 जो कि है 4 24 23 92 3/4, ठीक है। कितना 23 3/4 जो कि ऑप्शन है बी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं है, आपको ये पैटर्न याद रखना है, एक चीज़ कांस्टेंट है और कुछ ज़्यादा है, तो जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या होता है 10 1/8 इंटू ये का अंडर रूट, बस वहाँ से कुछ भी पूछे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन 45, ये स्पेशल टाइप है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन पढ़िए। ए अलोन वुड टेक 32 आवर्स मोर देन मोर टू कम्प्लीट अ वर्क देन दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, ए जो है 32 घंटा ज़्यादा लेता है ए और बी जितना दिन समय लेता है। तो मैं बोला यह ए प्लस बी जो है कुछ भी लेता है एक्स, तो ए जो है ना ए प्लस बी जितना समय लेता है उससे 32 घंटा ज़्यादा, मतलब अगर ये एक्स घंटा लेता तो ये उससे 32 घंटा ज़्यादा लेता है। समझे बातों को आप? ठीक है, ए और बी जितना समय लेता है उससे 32 घंटा ज़्यादा ए अकेले लेता है, तो यही बात है। चलिए, बी 18 घंटा ज़्यादा लेता है ए और बी से, तो बी जो है ए और बी जितना समय लेता है ना एक्स घंटा उससे 18 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, ये प्लस इतना, मतलब इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा 32 इंटू 18 का अंडर रूट। ठीक है, बट अब क्वेश्चन क्या बोला मैं कि 9 दिन में जो है ना कितना परसेंट ऑफ वर्क ख़त्म करेगा ए और बी, 9 दिन में कितना परसेंट ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये कर लेंगे हम लोग कि सबसे पहले इस एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोले अंडर रूट 32 इंटू 18, तो आप बोले 32 में 16 है तो 16 का 4 2 18 दो 36 का 6 मतलब 24, समझे? अब हमें बोला है कि 9 दिन में ए और बी कितना काम ख़त्म करेगा। देखिए, अब क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना आपके हाथ में होता है। हमें क्या पता चला, एक्स 24 है, मतलब ए प्लस बी काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं ना, एक्स का पहले 24 है तो ए प्लस बी तो 24 दिन ही लेंगे। तो मुझे पता है कि पूरा एक काम को करने में, मतलब 24 दिन में ए प्लस बी कितना काम करता है, एक पूरा एक काम, तो 9 दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे 1/24 इंटू 9 कितना परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंट बताओ, तो इंटू 100, 3 से 3, 3 से 8, 4 से 2, 4 से 25, 25 या 75/2 मतलब 37.5%, कितना 37.5%, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए मैं कुछ नहीं किया, आप तो ये चीज़ समझ गए, एक्स का वैल्यू 24 आया। मैं बोला ए प्लस बी पूरा काम 24 दिन में करते हैं, मैं बोला कि पूरा काम कितना होता है, एक होता है, या 100% भी मानिए कुछ भी, मैं बोला 24 दिन में एक काम, तो 9 दिन में वो तो कितना ही काम करेगा, तो आप बोले 1/24 × 9 है ना, तो कितना परसेंट, तो इंटू 100, तो यहाँ से मेरा क्या है कटने के बाद 37.5% काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन है 46। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 11 मोर डेज देन बी। ठीक है, देखिए हम लिख लेते हैं, सबसे पहले ए जो है बी से 11 ज़्यादा दिन लेता है, तो मुझे तो ये पता चला कि अगर बी एक्स है तो ए कितना है, एक्स प्लस 11 है, यही बोला है क्वेश्चन, क्योंकि ए बी से 11 दिन ज़्यादा लेता है, तो मैं बोला बी अगर एक्स दिन में करता है तो ए एक्स प्लस 11 दिन में करेगा, है ना। वाइल ए डज द सेम वर्क इन 36 मोर देन सी, मतलब कि ए जो है, अच्छा सेकंड केस देख लेते हैं हम, ए जो है सी अगर कुछ दिन लेता है, मैं बोला सी अगर एक्स दिन लेता है तो वो उससे कितना ज़्यादा है, 36 दिन, कितना है 36 दिन। देखिए अब हमें इसे सजाना है, ठीक है, अब हमें इसे सजाना है, तो मैं इसको रब करूँगा। ठीक है, अब आपको समझना है बात को, मैं बोला ए बी सी, देखो ए ज़्यादा लेता है बी से भी, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए जो है 11 दिन ज़्यादा लेता है बी से और सी से 36 दिन ज़्यादा, मतलब कि अल्टीमेटली ये ए जो है बी से भी ज़्यादा लेता है सी से भी ज़्यादा, मतलब मैं सी को एक्स रखूँ कि सी एक्स दिन में करता है, समझिएगा बात को, कि सी एक्स दिन में करता है, तो हमें इसे सजाना है ना, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है मुझे ये पता है कि ऐसा पैटर्न में हो कि एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ये कोई भी हो, ए प्लस बी ए बी इतना, तो मुझे एक्स का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ए बी, मुझे मतलब एक्स कॉन्स्टेंट रखना है, एक जगह पे ऐसे रखना है कि सिर्फ एक्स हो और प्लस प्लस में हो, तो मुझे इस पैटर्न में सजाना है क्वेश्चन को। मैं बोला कि सी एक्स दिन में करता है, तो ए जो है 36 दिन ज़्यादा लेता है सी से, मैं सेकंड स्टेटमेंट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा है, तो ए 36 दिन ज़्यादा लेता है सी से, तो मैं बोला कि एक्स प्लस 36, ए इतना ही लेगा ना एक्स प्लस 36, तो आप बोलोगे हाँ ये तो सही है एकदम, कि अगर मैं पहला लाइन नहीं पढ़ा कि ए 11 दिन ज़्यादा लेता है बी से, तो सेकंड में लिखा है कि ए जो है सी से 36 दिन ज़्यादा लेता है,
तो अगर ये x है तो x प्लस 36 है। अच्छा अब b से 11 दिन ज़्यादा लेता है, इसका मतलब क्या है, b जितना दिन करता है ना उससे 11 दिन ज़्यादा लेता है। तो मैं बोला x प्लस 36 में 11 दिन घटा लो उतना दिन में b करता है, तो आप बोले x प्लस 25, मतलब b कितना दिन में करता है, तो x प्लस 25। ये आप नहीं समझे, मैं बोलता कि मुझे इस फॉर्म में सजाना होता है क्वेश्चन को, तो मुझे सी एक्स दिन में करता है, ए जो है इससे 36 दिन ज़्यादा, बी से 11 दिन ज़्यादा। तो अगर बी से 11 दिन ज़्यादा है तो एक्स प्लस 36 में अगर 11 घटा है तो वो बी का आएगा आएगा। देखिए आप क्वेश्चन को आप पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया हमें कि ए जो है बी से 11 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो आप बोले बी एक्स प्लस 25 है, तो इसमें 11 दिन ज़्यादा करिए तो आप एक्स प्लस 36 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हमको सजाना था इसीलिए मैं सजाया, आप प्रैक्टिस करिए आपको और क्लियर होगा चीज़ें। ठीक है, और हमें बोला है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कम्प्लीट द सेम वर्क, अच्छा ए कितने दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा, तो आप बताओ एक्स का वैल्यू कितना, अंडर रूट ये 36 × 25, तो 36 छः का, 25 पाँच का, तो 6 × 5 = 30। और ए कितना दिन में करता है, तो आप बोले एक्स प्लस 36, तो एक्स कितना है 30 प्लस ये 36 मतलब 66 दिन। तो ए कितने दिन में इसको कर सकता है अकेला, 66 दिन। ए कितने दिन में कर सकता है, 66, क्योंकि ए एक्स प्लस 36 लेता है, एक्स का वैल्यू 30, तो एक्स प्लस 36 मतलब 30 + 36 = 66 दिन। ठीक है, तो ये हम लोग का एक स्पेशल टाइप का 4 क्वेश्चन, इसका जैसा भी क्वेश्चन बनता वो मैं आपको करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे टाइप 4 के साथ नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 5 में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वेट करें और इस लेक्चर को करें, कल ही हमारा वो सेशन आएगा। आप देखिए इस वीडियो को मैंने 10K व्यूज़ का रखा है, कम से कम आप 10K व्यूज़ दें, वीडियो को शेयर करें, सभी जगह पहुँचाएँ ताकि सब देख सकें इस फ्री लेक्चर को जो कि मैं करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।